गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश में हमारा फोर्थ लेसन मदर टेरेसा को हम रीड कर रहे थे। कल हमने इनके महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा कि मदर टेरेसा किस तरह भारत की न होते हुए भी भारतवासियों के लिए उसने कितना काम किया, बीमारों और जो गरीब लोग थे उनकी कितनी सहायता की, दया भावना उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। उसी को आगे जारी रखते हुए इसका नेक्स्ट पैसेज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, द वर्ल्ड इन जनरल एंड इंडिया इन पार्टिकुलर शैल एवर रिमेन इंडेबिटेड। सामान्य रूप से दुनिया में एंड विशेष रूप से भारत शैल एवर रिमेन इंडेबिटेड होता है ऋणी, सामान्य रूप से इसका ऋणी रहेगा टू द सर्विसेज ऑफ दिस ग्रेट पर्सनैलिटी, इस महान व्यक्तित्व का ऋणी रहेगा, हु डिवोटेड ऑल हर लाइफ, जिसने अपने सारी जिंदगी मानवता फॉरगेटिंग ऑल हर पर्सनल कम्फर्ट्स, अपने जो स्वयं के ऐसो आराम थे उनको भूल करके सारी जिंदगी मानवता के लिए समर्पित कर दी। द वे सी सर्वड ह्यूमैनिटी, जिस तरह से उन्होंने मानवता की सेवा की, देर इज एवरी चांस, ये प्रत्येक मौका है, दैट शी वॉज नॉट ए ह्यूमन बींग, कि वह एक इंसान नहीं है, रेदर शी वॉज ए स्पिरिचुअल बींग, कि वह एक इंसान नहीं है, आध्यात्मिक अर्थ है, बल्कि वह आध्यात्मिक अर्थ है, एंड इट वॉज बीन एम्पली प्रूव्ड बाई द फैक्ट, एंड इट हैज़ बीन एम्पली क्या होता है, यह पर्याप्त रूप से पूर्ण रूप से प्रूव्ड होता है सिद्ध होना, यह पर्याप्त रूप से सिद्ध हो चुका था बाई द फैक्ट निसंदेह दैट सेंटवुड इज बींग बेस्ट वुड ऑन हर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज सी रेंडर्ड होता प्रदान करना, जो उन्होंने सेवाएँ, जो उन्होंने मान सम्मान, जो आदर उन्होंने प्रदान किए, एंड द मिरेकल्स सी परफॉर्म डिस्पाइट हैविंग ए फ्रेल बॉडी, फ्रेल होता कमज़ोर बॉडी शरीर, एक कमज़ोर शरीर होते हुए भी जो उन्होंने चमत्कार किए थे या जो सेवाएं प्रदान की थी उनमें सब में जो संतत्व था वह सबसे सर्वश्रेष्ठ था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी को यहाँ तक इस लेसन को एक बार रीड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।